आज अपन पढ़ेंगे औरतों के अंदर बैक पेन। तो बैक पेन जो है वो काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन इसकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो बन सकती है क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है। तो इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे बैक पेन के अंदर कि लोग बैक पेन क्या होता है, बैक पेन के कॉजेज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन बैक पेन का इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड अप्रोच टू अ पेशेंट विथ बैक पेन, जिसके अंदर एक फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि बैक पेन क्या होता है, लो बैक पेन क्या होता है। बैक पेन इज अ एक्सट्रीमली कॉमन ह्यूमन फिनोमिना। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पर्सन्स इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी विल एक्सपीरियंस बैक पेन एट सेम टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो जो ये लो बैक पेन है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉमन ह्यूमन फिनोमिना है। क्योंकि इसको ऐसा कॉमन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो लो बैक पेन है अपन को ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो एक स्टडी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो पीपल्स मतलब जो पर्सन्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हैं, उसके अंदर जो 80% जो पर्सन्स हैं उनको एक्सपीरियंस करने को मिला है बैक पेन। इसलिए इसको कॉमन ह्यूमन फिनोमेना कहा गया है। आफ्टर टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ, मतलब लाइफ में एक ना एक बार मतलब 80% पर्सन्स को लो बैक पेन तो होता है, इसलिए इसको कॉमन कहा गया है लो बैक पेन। फॉर्चुनेटली क्या होता है ना, इन 70% ऑफ दिस इट सबसाइड विद इन अ मंथ, बट इन एज मैनी एज 70% ऑफ दिस द पेन रिकर्स। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है ना, जो 70% जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर तो जो पेन होता है लो बैक पेन, वो सबसाइड हो जाता है टाइम के साथ साथ, कुछ दिनों में या फिर कुछ मंथ में। लेकिन कुछ 70% ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो पेन है वो रिकर्स हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि जो बैक पेन है इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। वैसे तो इसके मतलब इसका स्पेसिफिक इटियोलॉजी तो पता नहीं है बैक पेन की, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं कि जिस कारण से या फिर किस कुछ डिजीजेज होती है जिस कारण से जो पर्सनस है उसको बैक पेन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेसिफिक इटियोलॉजी ऑफ मोस्ट बैक पेन इज नॉट क्लियर, पोस्चरल एंड ट्रोमेटिक बैक पेन आर अमंग द कॉमनेस्ट। मतलब जो किसी अपने जो पोस्चर है उसके कारण से हुआ या फिर किसी ट्रोमा के कारण, मतलब किसी चोट लगने से, भारी चोट लगने के कारण जो बैक पेन हुआ है वो कॉमनेस्ट है। मतलब इन दोनों के कारण जो पेन होता है लो बैक पेन वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है। उसके बाद है यहाँ पे बैक पेन कुड बी अ फीचर्स ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पाइनल डिजीज लाइक एज जेनाइटो यूरिनरी और गायनिकोलॉजिकल डिजीज। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पाइनल डिजीज के कारण ही जो पर्सन है उसको बैक पेन हो, कुछ एक्स्ट्रा स्पाइनल डिजीजेज भी होती है जैसे कि जेनिटो यूरिनरी और गायनिकोलॉजिकल डिजीजेज होती है, जिस कारण से भी पर्सन्स को बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। तो इसको ऐसे वाले डिजीजेस को अपन यहाँ पे कहते हैं एक्स्ट्रा स्पाइनल डिजीजेज। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज दिए हुए हैं जिसको अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर है कंजेनाइटल कॉज, ट्रोमेटिक कॉज, डिजेनरेटिव, इन्फ्लामेटरी कॉज, मेटाबॉलिक कॉजेज एंड पेन रेफर्स्ड फ्रॉम विसरा। तो इसके अंदर कौन कौन से डिजीजेस आती है, कंजेनाइटल कॉजेज के अंदर आती है स्पाइना बाइफिडा, ट्रांसेक्शनल वर्टिब्रा, और ट्रोमेटिक के अंदर आता है स्प्लेन एंड स्ट्रेन, प्रोलैप्स्ड डिस्क। उसके बाद आता है डिजेनरेटिव के अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी कॉजेस आता है ट्यूबरकुलोसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, मेटाबॉलिक कॉजेस के अंदर आता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलासिया। उसके बाद जो कि अभी अपन ने यहाँ पर देखा था एक्स्ट्रा स्पाइनल डिजीजेज, जो मतलब जो कि यहाँ पर है जेनाइटो यूरिनरी डिजीजेज एंड गायनिकोलॉजिकल डिजीजेज। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ने से अपन को ये पता लगेगा कि कौन सी एज में जो पर्सन है उसको बैक पेन हो सकता है, किस कारण से हो सकता है और किस तरह का हो सकता है। तो अपन को ये हिस्ट्री पढ़ना है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं एज। तो क्या होता है ना, कुछ डिजीजेज ऐसी होती है जो अपन को पर्टिकुलर मतलब किसी एक स्पेसिफिक एज के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसी के बेसिस पे बताया हुआ है सम डिजीजेज आर कॉमनर एट द पर्टिकुलर एज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो मतलब पर्टिकुलर एज के अंदर कुछ डिजीजेज होते हैं जो कॉमन होती हैं। तो इसी की तरह यहाँ पर बच्चों के अंदर बताया गया है चिल्ड्रंस के अंदर जो बैक पेन होता है वो अनकॉमन होता है, बैक पेन अनकॉमन इन चिल्ड्रंस बट इफ़ प्रेजेंट, अगर ये बैक पेन बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है, वैसे तो होगा नहीं लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो किसी वो सम ऑर्गेनिक डिजीज के कारण प्रेजेंट हो सकता है, बट इज प्रेजेंट इट इज़ ऑफ्टन ड्यू टू सम ऑर्गेनिक डिजीजेज।
उसके बाद है दिस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, लेकिन जो अडल्ट होते हैं ना उनके अंदर थोड़ा अलग होते हैं बच्चों से, तो ये किसी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। अडल्ट के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग बैक पेन एंड एडोलेसेंट्स पोस्टरल एंड ट्रोमेटिक बैक पेन आर कॉमन। तो तभी अपन ने देखा था कि जो पोस्टरल एंड ट्रोमेटिक जो बैक पेन होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पे अडल्ट की बात की गई है, इन अडल्ट एनकाइलोजिंग स्पोंडलाइटिस एंड डिसप्रोलेप्स आर कॉमन। जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर एनकाइलोजिंग स्पोंडलाइटिस एंड डिसप्रोलेप्स जो होता है जिस कारण से जो पेन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इन एल्डर पर्सन के अंदर जो बोन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके कारण यहाँ पर पेन होगा, जैसे कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मेटास्टेसिस, बोन डिजीज आर यूजुअली इन कॉजेज इन द सॉरी यूजुअली द कोज। तो यहाँ पर किस किस की बात की अपन ने, यहाँ पर अपने बच्चों की बात की, चिल्ड्रंस के अंदर, अडल्ट के अंदर, एल्डोलेसेंट के अंदर एंड अडल्ट के अंदर, एल्डर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्स। बैक पेन इज कॉमनर इन वुमन सॉरी बैक पेन इज कॉमन इन वुमन हु हैव हैड सेवरल प्रेगनेंसी। लैक ऑफ एक्सरसाइज इज लीडिंग टू पुअर मसल टोन एंड न्यूट्रिशनल ऑस्टियोमलासिया एंड आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दिस पेशेंट्स। सम वुमन्स पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेट डेवलपमेंट मैकेनिकल बैक पेन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, जो जो वीमेंस होती है ना उनके अंदर बैक पेन अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वीमेंस होते हैं ना अगर उनके अंदर सेवरल प्रेगनेंसीज होती है तो उस कारण से भी उनको बैक पेन हो सकता है। मतलब जो एक वुमन है जो 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हो सकी है तो उसके अंदर भी बैक पेन हो सकता है। और क्या होता है ना, जो वुमेंस होते हैं ना वो जो ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करती है जिस कारण से धीरे धीरे उनकी की जो मसल टोन होती है वो पुअर होती जाती है जिस कारण से भी उनको बैक पेन होता है। और अगर किसी वुमेन ने प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम अगर उसने कुछ ज़्यादा ही वेट बियर कर लिया है तो उस कारण से भी उसको जो मैकेनिकल बैक पेन उसको हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री। अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ हैविंग सफर्स फ्रॉम अ स्पाइनल डिजीज सच इज ट्रोमेटिक एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज में पॉइंट टू डेट एज द पॉसिबल कॉज ऑफ बैक पेन। तो यहाँ पर पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको कभी पहले स्पाइनल डिजीज थी जैसे कि ट्रोमेटिक एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज थी तो उस कारण से भी जो पर्सन है उसके अंदर पॉसिबल हो सकता है कि उसको बैक पेन हो उस कारण से भी। तो ये होती है पास्ट हिस्ट्री। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ऑक्यूपेशन। तो अपन किसी पर्सन का ऑक्यूपेशन देख के भी ये पता लगा सकते हैं कि उसको बैक पेन किस तरह का है। तो मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका वर्क होता है कि उनको एक बार चेयर पे बैठ के ही वर्क करना है, उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो उनके पर्सन के अंदर भी उनको बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ हिस्ट्री रिगार्डिंग अ पेशेंट ऑक्यूपेशन में प्रोवाइड अवेलेबल रोल ऑफ रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक पेन। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर जब अपन पेशेंट है उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेंगे तो अपन को उससे भी पता लगा सकते हैं कि उसका जो बैक पेन है उसका कोज क्या है। दिस आर ऑफ्टन नॉट अपेरेंट टू द पेशेंट एंड कुड बी अ पार्ट ऑफ हिज रूटीन। तो ये उसके रूटीन का मतलब काम हो सकता है जिस कारण से उसको बैक पेन हो रहा है। पीपल इन सेडेंटरी जॉब आर मोर वल्नरेबल टू बैक पेन देन दोज हूज वर्क इन्वॉल्व वेरिड एक्टिविटीज। बैक पेन इन कॉमन इन सर्जन, डेंटिस्ट, माइंस एंड ट्रंक ड्राइवर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो पर्सन मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो उनके अंदर जो बैक पेन है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो उनके अंदर जो बैक पेन है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है फीचर्स ऑफ पेन, कि पेन के जो फीचर्स है वो अपन को नोटिस करने होते हैं, जैसे कि लोकेशन, पेन की लोकेशन और पेन का ऑनसेट इस तरह से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर लोकेशन। पेन में भी लोकेटेड इन द लोअर, मिडिल एंड अपर बैक। जो पेन होता है वो बैक पे कहीं पर भी हो सकता है, जैसे लोअर पार्ट पर, मिडिल पार्ट पर या फिर अपर बैक पर कहीं पर भी अपन को देखने को मिल सकता है बैक मतलब जो पेन है उसकी लोकेशन। डिस्क प्रोलैप्स एंड डिजेनरेटिव स्पोंडलाइटिस अकर्स इन द लोअर लंबर स्पाइन। अगर किसी पर्सन को डिस्क प्रोलैप्स एंड डिजेनरेटिव स्पोंडलाइटिस है कि डिजीज है तो उसका आंसर उसको जो पेन होगा वो लोअर लंबर स्पाइन के अंदर अपन को देखने को मिल सकता है। और अगर इन्फेक्शन एंड ट्रोमा के कारण अगर किसी को पेन होता है तो वो अपन को यहाँ पर डोर्सल लंबर स्पाइन के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑनसेट, जो मतलब जो पेन है उसका ऑनसेट कब हुआ है।
किस तरह का है वो सब। ऑफ्टन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रोमा इमिडिएटली प्रेजेंटिंग एन एपिसोड ऑफ बैक पेन एंड मे इंडिकेट अ ट्रोमेटिक पैथोलॉजी सच अ फ्रैक्चर्स लिगामेंट स्पेन मसल स्ट्रेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर मान लो किसी को बैक पेन हुआ है और उसको उसके जस्ट पहले उसको ट्रोमा हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ट्रोमा के इमिडिएट मतलब कुछ समय बाद अगर उसको पेन हो सकता है, तो इससे अपन को ये पता मतलब ये पता लगा सकते हैं अपन कि जो पर्सन है उसके अंदर यहाँ तो फ्रैक्चर हुआ है जिस कारण से उसको बैक पेन हो रहा है, या फिर लिगामेंट स्प्रेन है जिस कारण से उसको फ्रैक्चर हो, या फिर मसल स्ट्रेंट है जिस कारण से उसको पेन हो बैक पेन हो रहा है। मतलब अगर किसी ट्रोमा के कारण बैक पेन होता है तो हो सकता है कि उसको इन इन रीजन्स के कारण उसको बैक पेन हो रहा हो। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर अ प्रेसिपिटेटिंग हिस्ट्री इज प्रेजेंट इन अबाउट 40% केसेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। मतलब अगर उसको पहले से डिस्क प्रोलैप्स की कंडीशन है तो उस कारण से 40% केसेस अपन को इस तरह के देखने को मिल सकते हैं डिस्क प्रोलैप्स वाले। यहाँ पर आते हैं अब उसके बाद, द ट्रोमा में नॉट पर्टिकुलरली टू बी सिग्निफिकेंट वन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ट्रोमा है उसके कारण यहाँ पर पेन हो, मतलब यहाँ पे किसी और चीज़ों के कारण यहाँ पे पेन हो सकता है, जैसे कि इट मे बी सबटेल रिजल्टिंग फ्रॉम अ रूटीन एक्टिविटी सच एज ट्विस्टिंग टू पुल समथिंग आउट ऑफ अ ड्रॉअर। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ट्रोमा है उसके कारण ही मतलब यहाँ पर पेन अपन को देखने को मिल सकता है, कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ भी होती है जैसे कि ट्विस्टिंग टू पुल समथिंग आउट ऑफ अ ड्रॉअर, इन सब के कारण में उसको बैक पेन हो सकता है पर्सन के एक्टिविटीज़ के कारण में, रूटीन एक्टिविटीज़ के कारण में। केयरफुली क्वेश्चन रिगार्डिंग लीजर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अनकंसिस्टेंसी इज इन एक्टिविटी लेवल ड्यूरिंग वर्क एंड लीजर टाइम कैन प्रेसिपिटेट बैक पेन। तो यहाँ पर अपन को जो पेशेंट है उससे अच्छे से क्वेश्चन पूछना है कि आपका एक्टिविटीज़ कैसी है, किस तरह का वर्क है, जिस कारण से अपन पता लगा सके कि उसको पेन जो बैक पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है लोकेशन ऑफ पेन, जो पेन है उसकी लोकेशन। पेन अराइजिंग फ्रॉम अ टेंडन और मसल इंजरी इज लोकलाइज्ड डेट मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीपर स्ट्रक्चर इज डिफ्यूज़र। अगर जो पेन है वो किसी मतलब टेंडन एंड मसल के इंजरी के कारण अगर होता है तो वो लोकलाइज्ड होगा पेन, अगर वो डीप स्ट्रक्चर के किसी भी डैमेज होने के कारण अगर स्टार्ट हुआ है पेन तो वो डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, तो ये पता लगता है इससे मतलब लोकलाइजेशन ऑफ पेन के बारे में कि पेन किस तरह का है। आफ्टर पेन रिफर्स टू अ डर्मेटोम ऑफ द लोअर लिम विथ एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल साइन पर ट्रेंडिंग टू अ पर्टिकुलर रूट पॉइंट टू नर्व रूट पॉइंट टू नर्व रूट एक्स्ट्रा इंट्रापुटमेंट। तो यहाँ पर ऐसा है, अगर जो पेन है अगर वो रेफर्स्ट कर जाता है डर्मेटोम ऑफ द लोअर लिम के अंदर तो विद एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल साइन, तो ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल साइन होता है पर्टिकुलर नर्व पॉइंट टू नर्व रूट इंट्रेप्टमेंट का। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रोग्रेस ऑफ द पेन, जो पेन है उसका प्रोग्रेस किस तरह का है। द ट्रोमेटिक कंडीशन और इन अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स, अगर ट्रोमेटिक कंडीशन है या फिर अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स है तो इस तरह के पेन के अंदर क्या होगा ना, पेन इज मैक्सिमम एट द ऑनसेट एंड देन ग्रेजुअली सबसाइड ओवर डे और वीक। अगर ट्रोमेटिक कंडीशन एंड अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स है किसी पर्सन के अंदर तो उसका जो पेन होगा वो एकदम से पहले तो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, उसका जो ऑनसेट होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा, उसके बाद जो धीरे 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 क्या होगा ना मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद वो ग्रेजुअली सबसाइड हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तभी तो अपन यहाँ पे बात की ट्रोमेटिक कंडीशंस की एंड अक्यूट डिस्क प्रोलैप्स की। उसके बाद यहाँ पर आता है बैक पेन ड्यू टू डिस्क प्रोलैप्स, अगर डिस्क प्रोलैप्स होगा तो उसके अंदर किस तरह का पेन होगा, तो उसके अंदर पेन होगा रिमिजंस एंड एक्सासर्बेशन वाला पेन, जो कि अपन यहाँ पर देखेंगे एक ग्राफ है उसके अंदर अपन इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आर्थराइटिस और स्पॉन्डलाइटिस का पेन है, अगर किसी पर्सन को आर्थराइटिस है एंड स्पॉन्डलाइटिस है तो उसके अंदर जो पेन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन अगर जब वो एक्टिविटी करेगा तो वो बढ़ जाएगा उसका पेन। एग्रेवेटेड बाय एक्टिविटी पेन ड्यू टू इन्फेक्शन और ट्रोमा ट्यूमर टेकन अ प्रोग्रेसिव कोर्स विथ नथिंग कॉजिंग रिलीफ। अगर किसी को इन्फेक्शन एंड ट्यूमर है तो इसके अंदर जो पेन होगा ना वो मतलब बढ़ता जाएगा, मतलब उसके अंदर अब किसी भी तरह का अपन को रिलीफ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ बताया हुआ है जिसके अंदर चार तरह के कोज है,
तो यहाँ पर सीवियरिटी बता रहा है और यहाँ पर ये टाइम बता रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम है ये प्रोग्रेशन ऑफ बैक पेन ड्यू टू डिफरेंट एटियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ट्रोमा के बारे में। तो अपन ने देखा था कि किसी पर्सन को ट्रोमा होगा तो उसका जो सबसे पहले तो उसका जो पेन होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा, ये वाला मैक्सिमम लेवल है, और कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ बाद वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को डिस्क प्रोलैप्स है तो बी वाला, अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो वो अपन को इस तरह से देखने को मिलेगा कि एकदम से बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के अपन ने देखा था कि वो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन जब वो एक्टिविटी करेगा तो उसका जो पेन है वो बढ़ जाएगा, वापस वो कम हो जाएगा रेस्ट करेगा तो। उसके बाद आता है इन्फ्लामेशन एंड ट्यूमर के अंदर। तो अपन ने देखा था इसके अंदर आपको किसी तरह का मतलब रिलीफ देखने को नहीं मिलेगा, ये मतलब सीधा इसका जो पेन है वो बढ़ता ही जाएगा। तो अपन इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज से इसके अंदर आपको किस तरह का पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है रिलीविंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। ओके, मोस्ट बैक पेन आर वर्स्ड बाय एक्टिविटी एंड रिलीफ्ड बाय रेस्ट। तो कुछ ऐसे बैक पेन के कुछ ऐसे कोज होते हैं जिसके अंदर एक्टिविटी करने के बाद जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और रेस्ट करते हैं तो वो कम हो जाता है, इस तरह के अपन को देखने को मिलते हैं। और कभी कभी क्या है ना, इसका उल्टा भी अपन को देखने को मिलता है, जो कि अपन देखेंगे पेन ड्यू टू एनकाइलोजिंग स्पोंडलाइटिस एंड सेरोनिगेटिव स्पोन आर्थराइटिस एस एस है, जिसको अपन कहते हैं इस टिपिकली वर्स आफ्टर रेस्ट एंड इम्प्रूव विथ एक्टिविटी। तो अगर इस तरह की यहाँ पर डिजीजेस होगी तो उसके अंदर क्या होगा ना, जब पेशेंट जब एक्टिविटी करेगा तो उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा, लेकिन जब वो रेस्ट करेगा तो उसका पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीजेज है और किस तरह की कंडीशन है पेशेंट के अंदर। सीवर बैक पेन एट नाइट और स्टैंड एंड रिलीफ बाय रेस्ट सीवर बैक पेन एट नाइट दैट रेस्पॉन्स टू एस्पिरिन में इंडिकेट अ बिनाइन ट्यूमर। अगर किसी पर्सन को सीवर बैक पेन है नाइट में और अगर अपन उसको एस्पिरिन से अगर वो रेस्पॉन्स करता है तो ये जो कंडीशन है ये इंडिकेट करती है जो पर्सन है उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर है, अगर जो एस्पिरिन से रेस्पॉन्स करता है वो पर्सन। पेन इनिशिएटेड बाई वॉकिंग और स्टैंडिंग एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट इज अ फीचर ऑफ स्पाइनल स्टेनोसिस। अगर किसी पर्सन के अंदर स्पाइनल स्टेनोसिस है तो उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा जो पेन है वो इनिशिएट होगा वॉकिंग और स्टैंडिंग के साथ, और उसका रिलीफ अपन को देखने को मिलेगा रेस्ट के साथ, जो कि अपन ने यहाँ पर देखा था। एन इंक्रीज इन पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट अ गाइनिकोलॉजिकल पैथोलॉजी। अगर किसी वीमेन के अंदर, किसी गर्ल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम अगर उसको पेन होता है, अगर वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे, तो वो इंडिकेट करता है कि उस वीमेन के अंदर या उस गर्ल के अंदर गाइनिकोलॉजिकल पैथोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पर आता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो कि यहाँ पर है द फॉलोइंग एसोसिएटेड सिम्टम्स में पॉइंट टू द कॉज ऑफ बैक पेन, जो भी अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है स्टिफनेस, सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टिफनेस, जिसके अंदर है इट इज़ एसोसिएटेड विथ मोस्ट पेनफुल बैक्स बट इट इज़ अ प्रोमिनेंट सिम्टम्स इन बैक सॉरी पेन ड्यू टू एनकाइलोजिंग स्पोंडिलाइटिस मोर सो अर्ली इन द मॉर्निंग दे मे बी एन एसोसिएटेड लिमिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सपांसन। तो यहाँ पर जो स्टिफनेस होती है ना, तो ये एसोसिएटेड होती है विथ पेनफुल बैक, मतलब इसके अंदर अपन को जो बैक मतलब जो बैक होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, बट इट इज़ प्रोमिनेंट सिम्टम। लेकिन ये क्या होता है ना, एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है इन पेन ड्यू टू एनकाइलोसिंग स्पोंडिलाइटिस, ये एक तरह की डिजीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, मॉर्निंग में अपन को अर्ली मॉर्निंग में पेन होता है, देर में भी एसोसिएटेड लिमिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सपांसन, और जो चेस्ट एक्सपांसन है उसके अंदर जो लिमिटेशन अपन को देखने को मिल सकती है। पेन इन अदर जॉइंट के अंदर पेन इन सम रियोमेटिक डिजीज, जो रियोमेटिक डिजीज़ होती है जो कि, तो उसके अंदर क्या होता है ना, बैक पेन मे बी अ प्रेजेंटिंग फीचर्स बट ऑन डिटेल्ड क्वेश्चनिंग वन में गेट अ हिस्ट्री ऑफ पेन एंड स्वेलिंग ऑफ अदर जॉइंट। तो इस तरह के अंदर अपन को पेन देखने को मिलेगा, लेकिन जब अपन उससे अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, डिटेल क्वेश्चनिंग करेंगे, तो अपन को पता लगेगा कि उसको हिस्ट्री में पहले कभी पेन एंड स्वेलिंग ऑफ अदर जॉइंट के अंदर थी।
उसके बाद यहाँ पर आता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सिम्टम्स लाइक पैराएस्थीसिया, नमनेस और वीकनेस, मतलब इस तरह के सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। मे पॉइंट टू अ लीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिस कारण से अपन को ये लग सकता है कि उसको नर्वस सिस्टम के अंदर किसी तरह के लीजन्स हैं, और अ लीजन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इट। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्स्ट्रा स्केलेटल सिस्टम, मतलब सिम्टम्स, मतलब जो स्केलेटल सिस्टम है, मतलब इसके बाहर के किसी तरह के सिम्टम्स। अ हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, न्यूरोजेनाइटल कंप्लेंट्स और गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स में इंडिकेट एन एक्स्ट्रा स्केलेटल कॉज ऑफ बैक पेन। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे अब्डोमिनल कंप्लेंट्स अपन को देखने को मिल सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है, गायनोलॉजिकल कंप्लेंट्स अपन को देखने को मिल सकती है एक्स्ट्रा एस्केलेटर के अंदर। ये एक तरह की कोज है जिसके अंदर भी अपन को बैक पेन देखने को मिलता है पर्सन के अंदर। और मेंटल स्टेटस, अपन ने पहले भी देखा था कि पेशेंट को लगता है कि उसको बैक पेन है लेकिन उसको बैक पेन नहीं होता है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ इस तरह के। तो यहाँ पर है मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी जज्ड टू रूल आउट एनी पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ बैक पेन। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनिक डिजीज मे हैव अ सिग्निफिकेंट अंडरलाइनिंग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आल्सो। तो हो सकता है किसी पर्सन के अंदर जो पर्सन है वो सफरिंग हो किसी भी ऑर्गेनिक डिजीज से, तो जिस कारण से क्या होगा ना, अंडरलाइनिंग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसके अंदर होगा, जिस कारण से उसको लग सकता है कि हाँ उसको बैक पेन है। तो अपन जो साइकोलॉजिकल जो ऐसे फैक्टर्स है उनको हटा के उसका ट्रीटमेंट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन ने देखा था कि लो बैक पेन क्या होता है, उसके बाद अपन उसके कोजेज देखे, कोजेज देखने के बाद अपन ने हिस्ट्री देखी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसके फिजिकल एग्जामिनेशन, कि अपन किस तरह से जो पर्सन है उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि उसको किस टाइप का बैक पेन है या फिर किस टाइप की उसको डिजीजेस हो गई, जैसे कि काइफोसिस, लोडोसिस, फ्लैट बैक इस तरह की, तो अपन एग्जामिनेशन करके पता लगाएंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, मतलब उसके अंडरगारमेंट्स को छोड़ के उसके जो अलर जो क्लोथ होता है ना उनको हटाया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है स्टैंडिंग एंड लाइनिंग डाउन पोजीशन के अंदर। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे स्टैंडिंग पोजीशन, तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर अपन कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अपन करेंगे सबसे पहले पोजीशन के अंदर, नॉर्मल अ पर्सन स्टैंड इरेक्ट विथ एन सेंटर ऑफ द कैपिटल्स इन द लाइन विथ अ नेटल क्लैप। तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं कि पोजीशन जो नॉर्मल पोजीशन होती है ना क्यों क्या होती है। तो ये नॉर्मल पोजीशन का एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है, ये इरेक्ट पोजीशन है, तो इसके अंदर जो ऊपर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द कैपिटल्स, यहाँ से लेकर एक सीधी लाइन होनी चाहिए यहाँ पर नेटल क्लेफ्ट तक, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन के अंदर टू शोल्डर्स आर एट द सेम लेवल, तो शोल्डर्स है यहाँ पर सेम लेवल पे होने चाहिए, मतलब दोनों साइड के सेम लेवल पे होने चाहिए नॉर्मल में। द लंबर होल्स आर सिमेट्रिकल होने चाहिए एंड द पेल्विस इज स्क्वायर होने चाहिए इन अ केस विथ बैक पेन। लेकिन अगर किसी पर्सन को बैक पेन होता है तो उसका जो पोस्चर है ना वो भी अपन को थोड़ा अलग देखने को मिलता है, जैसे कि अपन को देखने को मिल सकता है यहाँ पे स्कोलियोसिस देखने को मिल सकता है, डायग्राम में अपन देखते जाते हैं, ये होता है स्कोलियोसिस, यहाँ पे लंबर स्कोलियोसिस एंड डोर्सल स्कोलियोसिस, ओके। उसके बाद काइफोसिस अपन को इस तरह से देखने को मिल सकता है जो पर्सन है वो, लोडोसिस में अपन को पर्सन इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे इन तीनों के जो नॉर्मल जो पोजिशन है उससे ये तीनों अलग दिखाई दे रहे हैं और ये वाले भी। तो यहाँ पर पेल्विक टिल्ट होगा, लोडोसिस होगा, काइफोसिस होगा, स्कोलियोसिस होगा, यहाँ पर एक और हो सकता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द डोर्सो ऑन द लोअर लिम, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे इस तरह से भी देखने को मिल रहा है जिससे यहाँ पर है फ्लैट बैक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्पाज्म, मसल स्पाज में भी प्रेजेंट इन अक्यूट बैक पेन, जो अक्यूट बैक पेन है उसके अंदर अपन को यहाँ पर मसल स्पाज प्रेजेंट हो सकता है एंड कैन बी डिसाइड बाय प्रोमिनेंस ऑफ द पैरा वर्टिबल मसल्स एट रेस्ट, ओके, विच स्टैंड आउट ऑफ द सजलाइट मूवमेंट। तो इसके साथ जो पेशेंट जो है वो स्टैंड आउट होगा ऑन सजलाइट मूवमेंट के साथ। उसके बाद यहाँ पर है स्वेलिंग, अ कोल्ड एब्सिस में भी प्रेजेंट इंडिकेटिंग ट्यूबरक्लोसिस एज अ कॉज। अगर किसी बैक पेन के अंदर कोल्ड एब्सिस अपन को देखने को मिलता है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं टेंडरनेस, लोकलाइज्ड टेंडरनेस में इंडिकेट लिगामेंट और मसल टियर। अगर किसी भी तरह का लोकलाइज्ड टेंडरनेस है तो उसके कारण अपन को भी पता लगा सकते हैं, मतलब वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर लिगामेंट एंड जो मसल टियर है। देयर मे बी ट्रिगर्ड पॉइंट और टेंडर नोडल्स इन केसेस ऑफ फाइब्रो
साइटिस, अगर फाइब्रोसाइटिस है उस केस के अंदर अपन को ट्रिगर पॉइंट और टेंडर टेंडर नूडल्स अपन को देखने को मिलेंगे। पेन ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्केरो इलियक जॉइंट में है वो टेंडरनेस लोकलाइज्ड टू अ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अगर जो पेन है वो ओरिजिनेट हो रहा है सेक्रो इलियक जॉइंट से तो में है वो टेंडरनेस लोकलाइज्ड, तो जो टेंडरनेस होगी ना वो लोकलाइज होगी टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में। उसके बाद यहाँ पर आता है रेंज ऑफ मोशन। देयर इज लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इन इन ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द स्पाइन। अगर स्पाइन में किसी भी तरह की ऑर्गेनिक डिजीज है जो पर्सन है वो अपने जो मूवमेंट है वो ठीक से कर नहीं पाएगा, मतलब वो काफ़ी लिमिटेशन उसके मूवमेंट्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो मूवमेंट करेगा तो उसको पेन होगा वहाँ पर, हो सकता है कि वहाँ पर उसको स्पाज या टेंडरनेस या फिर स्टिफनेस भी हो। वन मोस्ट केयरफुली डिफ्रेंशिएटेड स्पाइनल मूवमेंट फ्रॉम अ पेशेंट एबिलिटी टू बेड एट द हिप। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर केयरफुली डिटरमाइन डिफ्रेंशिएट करने हैं अपन को स्पाइनल मूवमेंट के अंदर। उसके बाद एक और होता है यहाँ पर लाइनिंग डाउन पोजिशन, जिसके अंदर अपन को जो पेशेंट है उसका पोजिशन को ऑब्जर्व करना होता है। इन द स्पाइन पोजिशन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो अपन चेक करेंगे यहाँ पे, वो है SLRT स्ट्रेट लेग अराइजिंग टेस्ट। तो इसके टेस्ट के अंदर अपन को पता लगता है जब अपन ये टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर अपन को नर्व कंप्रेशन अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सेशेशन मोटर पावर एंड रिफ्लेक्स ऑफ द लोअर लिम आर एग्जामिन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन जो पर्सन है उसके अंदर सेशेशन मोटर पावर एंड रिफ्लेक्सेस होते हैं जो लोअर लिम के, उसको एग्जामिन करते हैं। पेरीफेरल पल्सेस अपन चेक करते हैं। द पेरीफेरल पल्सेस शुड बी पाल्पेट टू डिटेक्ट अ वेस्कुलर कॉज ऑफ लो बैक पेन। तो अपन जो पेरीफेरल पल्सेस है उसको चेक करते हैं, उसको पालपेट किया जाता है जिससे अपन को डिटेक्ट करता है वेस्कुलर कॉजेज को ऑफ लो बैक पेन विच मे बी ड्यू टू वेस्कुलर क्यूडिकेशन। द स्किन टेम्परेचर इन द अफेक्टेड लेग मे बी लोअर। अगर जो अफेक्टेड लिम है उसका जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एडजेसेंट जॉइंट। ऑफ्टन द पेन ओरिजिनेट फ्रॉम द हिप जॉइंट और द सेक्रो इलियक जॉइंट, हेंस द शुड बी एग्जामिन रूटीनली। अगर यहाँ पर जो पेन है अगर वो ओरिजिनेट होता है हिप जॉइंट से एंड सेक्रो इलियक जॉइंट से तो अपन को उसको एग्जामिन करना है रूटीनली, मतलब अपन उसको रूटीनली एग्जामिन करेंगे इस तरह के जॉइंट्स को। एब्डोमिनल रेक्टल और पेरिवेजाइनल एग्जामिनेशन अपन करेंगे। मे बी देन नेसेसरी चेस्ट एक्सपांसन शुड बी मेजर इन यंग अडल्ट विथ बैक पेन। अगर कोई यंग अडल्ट है जिसके अंदर बैक पेन हो रहा है तो उसका अपन चेस्ट एक्सपांशन है वो भी मेजर करेंगे। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट एंड अप्रोच टू अ पेशेंट विथ बैक पेन, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा आज बैक पेन के अंदर लो बैक पेन, लो मतलब बैक पेन के कॉजेज, बैक पेन की अपन हिस्ट्री किस तरह से लेंगे एंड जो बैक पेन है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन अपन किस तरह से करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।